Assalamu alaikum and welcome to Tang Asia Cricket Club. And of course, it has been presented by none other than Coca-Cola and sponsored by Zameen.com. Imran Ali Khan, Zishan Ali Khan, इन्होंने ये 2006 में ये कंपनी फॉर्म की और उसके बाद 5,500 इनके एम्प्लॉयज़, 55 लाख इनकी हिट्स और 20,000 से ज़्यादा इनके एजेंट्स जो कि आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। 2014 में इन्होंने अपने आप को, आप क्या कहें, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, रेनोवेट किया, रिफर्बिश किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और वर्चुअल आप कह लो के जो डिवाइसेस हैं वो लेके आए। और फिर 2018 में Zameen.com इन्होंने एस्टैब्लिश किया। उसके बाद इनकी पेरेंट कंपनी है EMPG, जिन्होंने OLX को एक्वायर किया और आज ये $1 बिलियन की यूनिकॉर्न कंपनी है। वेल डन Zameen.com। और क्रिकेट पर जब हम आते हैं, courtesy of all the three people, Tang, Coca-Cola and Zameen.com, ये ज़रूर बताएं कि कल का जो मैच था हांगकॉन्ग का और किंग कॉन्ग का, मैं तो हमेशा कभी भी क्रिकेट हो, मैंने जितनी खेली है, मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट जो है लास्ट बॉल तक जब नहीं होगा आप उस पर रिजल्ट नहीं ले सकते। लेकिन कल किंग कॉन्ग ही था और हांगकॉन्ग ही था और सलीम मलिक बिल्कुल सही थे कल कि ये मैच नहीं है, रऊफ भी यही बात कर रहे थे। लेकिन कल एक एक्चुअली मिस मैच हो गया था, क्यों सलीम? टोटल ही चाहिए था पीछे, कोई मैच था ही नहीं। मैंने आपको, लेकिन इंडिया के साथ अच्छा खेले, देखें वो भी अगर आप, मैंने कहा था कि जब आप इतना स्कोर कर जाती है कोई बड़ी अच्छी टीम जो 190 प्लस कर जाती है फिर वो रिलैक्स कर जाती है। पाकिस्तान ने रिलैक्स नहीं किया, वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलते रहे। फिर दूसरी बात ये थी कि मैंने कहा था कि ये मैच जैसे ही मैच होते जाएंगे ये विकेट स्लो होती जाएगी और आप देखो हमारे स्पिनर्स ने आउट किया है, 3 नवाज आउट कर गया, 4 शदाब ने आउट किया। और प्लस दूसरी बात ये कीजिए कि जो बंदे फुल टाइम क्रिकेट नहीं खेलते बेचारे, कोई यूनिवर्सिटी में अभी जॉब मुझे बता रहा था, कुछ लेक्चर देते हैं यूनिवर्सिटियों में कोई कहीं, वो अपनी रोज़ी कमाएंगे कि वो क्रिकेट की तरफ आएंगे, क्योंकि उनको पाकिस्तान या इंडिया तो है नहीं कि रिलीज़ कर देंगे कि जाके क्रिकेट खेलो, तो बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आप जिद कर रहे थे कि तुसी तो लगता सी शेर ना ले हो, पाकिस्तान ना लाई नहीं। मैं कदे किसी साइड दी नहीं, देखो जी मैं हमेशा फेयर रहा हूँ, कैप्टनसी में भी उस तरह मैंने खेली है, ऑर्डिनरी क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट बड़ी अनसर्टेन गेम है ये। नहीं है, मगर आप देखो ना कोई मैच नहीं था, अगर आप देखो श्रीलंका का मैच हो रहा होता ना तो मैं कहता हाँ यार एक इंटरनेशनल टीम है वो पाकिस्तान को मैच फंसा सकती है, अफगानिस्तान के खिलाफ हो आप कह सकते हैं कि यार ये एक अच्छी टीम है ये मैच मुकाबला दे सकती है। वो हांगकॉन्ग वो बेचारे बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई करके आए हैं, तो मेरे ख्याल में वो क्वालिफाई कर जाना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। सो बेसिकली रोग ये जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कराने के लिए आए इस टूर्नामेंट में? नहीं, एक्चुअली जो क्वालिफाई करती है वो आती ही प्रैक्टिस करवाने के लिए, उसका कोई चांस नहीं होता अनलेस कि वो पता नहीं कोई मिरेकल हो जाए, अदरवाइज ये प्रैक्टिस के लिए ही होते हैं। आप देखो उन बेचारों ने बड़ी मुश्किल से वो किसी के साथ इंडिया के खिलाफ 150 कर लिया तो हम कह रहे थे कि जी वो पता नहीं क्या कर देंगे, कुछ नहीं हो सकता, ऐसी टीमें बस प्रैक्टिस करवाने ही आते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सलीम ने कि पाकिस्तान में वो इंडिया की तरह ज़रा रिलैक्स नहीं हुए, फुल फोर्स से गए और फ़खर ने जो बैटिंग की है कल आउटस्टैंडिंग बैटिंग, क्यों? बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इस मैच में जिस तरह सलीम भाई ने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली दुरुस्त कहा उन्होंने कि इससे कुछ नहीं था सवाए इससे कि जो पाकिस्तानी बैट्समैन थे उनको जो आइंदा आने वाले मैचेस थे उनके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस मिल गई। और इसमें जो लास्ट मैच आपने देखा उस पर जो पाकिस्तान के विकेटकीपर हैं रिजवान वो अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, मगर इस मैच में उन्होंने 70 रन स्कोर किए। उसके बाद फखर जमान नहीं चल सके थे इंडिया के खिलाफ तो इस मैच में उन्होंने 56 रन की इनिंग खेली। इसी तरह जो खुर्शीद शाह जो जिन पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इस टाइम पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि वो ऐसे बैट्समैन हैं जो नंबर 5, 6, 7 पर वो पाकिस्तान के लिए मैच को टर्न कर सकते हैं, उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था और वो एग्जैक्टली बड़े सही टाइम पर आए हैं। कल उन्होंने एक ओवर में 4 जो छक्के लगाए हैं तो उससे उनका काफ़ी मोराल बूस्ट हुआ होगा और साथ पाकिस्तान टीम का भी कि किसी अगले मैच में ये इस तरह की परफॉर्मेंस दोहरा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक फ़ायदेमंद मैच था क्योंकि इसमें जितने भी आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन थे इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के उनको प्रैक्टिस का पूरा चांस मिल गया। जहाँ तक आपने हांगकॉन्ग की बात की है तो मेरा ख्याल है कि उनकी बैट्समैन थे उन्होंने इंडियन बॉलर को ज़रूर टेक ऑन किया पिछले मैच में क्योंकि वो एवरेज बनेश्वर कुमार हैं उनके जो मेन बॉलर हैं
उनकी पेस 125-126 है। उसके बाद जो दोनों सिंह और खान हैं उनकी जो बॉलिंग पेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उनको इस तरह इसलिए उन्होंने मीडियम पेसर का टेक ऑन कर दिया। मगर कल आपने देखा होगा कि जब शाहनवाज दानी और नसीम शाह ने बॉलिंग की, आरिस रऊफ ने, तो उनके जो मेन ओपनिंग बैट्समैन थे वो विकेट से नीचे उतर रहे थे। इसका मतलब था कि वो जो एक्सेप्शनल पेस है 140 प्लस उसको मैनेज करने में नाकाम थे, तो उनके दिमाग में खौफ तारी था। इसी वजह से वो नसीम शाह के पहले ओवर में दो विकेटें गिर गईं और उसके बाद पाकिस्तान ने एक कम्प्लीट उनको डिज़ास्टर कर दिया, मैच से बाहर कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत अच्छा होगा, और पर्टिकुलरली ये जिन लड़के जो स्लाइटली आउट ऑफ फॉर्म में आगे सारे, बिल्कुल इसमें एक नहीं होगा जिस तरह टूर्नामेंट के शुरू में हुआ था। अच्छा, अगर आप दोनों को देख लें कि ये जब फर्स्ट 5 ओवर्स होते हैं आपके, उसके अंदर हमने अफगानियों को देखा है ये कुछ ज़्यादा दिलेरों के खेलते हैं, हालांकि जब जयसूर्या जैसे खेलते थे उसने तो गेम चेंज कर दी थी, पहले 5-6 ओवरों में गेम कर देता था। नहीं, उनकी टीम डिफरेंट है ना, देखिए। हाँ, टीम डिफरेंट तो वो उनका कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो जिसको आप कहें कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। उस वक्त बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जो राणा टुंगा था, डिसिल्वा था, बहुत सारे और बहुत सारे प्लेयर थे जो अकेले ही, मुरली था बॉलिंग में, तो उनकी टीम बैलेंस थी। अभी सारे नए लड़के हैं तो बड़ा मुश्किल है ऐसी टीम का लेके जाना। मेरा ख्याल है, देखे जैसे अभी बात की ना इन्होंने, रऊफ ने, एज मेरे ख्याल में एज अफगानिस्तान को ही है, इसलिए कि जैसे हम शुरू में भी बात करते रहे हैं कि उनको ये फिक्र नहीं है कि विकेट स्लो होएगी या टर्न होएगा, वो शुरू से आके अटैक करते हैं। पहले 6 ओवर में तो फास्ट बॉलों ने करनी है बॉलिंग, ऊपर फील्डिंग होगी तो वो एडवांटेज उसमें भी ले जाएंगे, वो उन्होंने ले जाना है, उनको फिक्र नहीं होनी कि आउट होना नहीं होना। तो ये थोड़ा सा शायद फ़र्क पड़े कि स्पिनर उनको तंग करें, मगर मेरा नहीं ख्याल रऊफ उनके पास इतने आउट क्लास स्पिनर हैं जैसे अफगानिस्तान के पास हैं, तो एडवांटेज फिर भी मुझे लगता है कि बॉलिंग का बहुत बड़ा एज होता है किसी टीम को भी, आप देखें हमेशा बॉलिंग मैचेस जितवाती है, तो एज तो अफगानिस्तान को है इसमें कोई। क्योंकि जब हम एज कहते हैं, इनके दो बॉलर्स राशिद और नबी, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं कि फंसा देते हैं, वो फंसाने वाले बॉलर्स हैं, ये नहीं कि आप उनके साथ लिबर्टीज ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू जो सलीम बात कर रहे हैं। तीन बॉलर हैं, देखिए जो तीसरा बॉलर है मुजीब, दोनों से खतरनाक है। जो मुजीब है ये अगर ट्रू पिच हो जिस तरह अभी थोड़ा सा है तो इसमें थोड़ा सा तेज बॉलिंग करता है, तो ये नबी इतना ज़्यादा इस पिच पर ख़तरनाक नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो मैच देखने में आए उसमें जो फर्स्ट मैच था उसमें नबी ने 3 आउट किए थे, मगर जो इस पिच ने जो कंडीशन इख्तियार की है उसमें नबी ख़तरनाक नहीं होगा, उसमें मुजीब और जो राशिद खान है इनके पास वेरिएशन भी ज़्यादा है, इनके पास टर्न भी है और ये यूटिलाइज़ भी करते हैं उसकी वेरिएशन की बॉल को, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक होंगे इस पिच की निस्बत। एंड यू थिंक के कीपिंग एंड व्यू, आप जो दोनों बात कर रहे हैं, श्रीलंका चांस लेगा कि पहले 5-6 ओवर्स के अंदर इनको डोमिनेट करें? बिल्कुल, क्योंकि उनके पास अर्ली ऑन ही चांस है, अगर तो बाद में थोड़ा सा डिले कर गया श्रीलंका तो मेरा ख्याल है कि उनके हाथ से चांस निकल जाएगा। अगर वो दायरे में चांस लेने में कामयाब हो गया, अगर इनको डोमिनेट कर देते हैं शुरू में तो फिर एक बेहतर चांस आ जाएगा। चलें, एक ब्रेक का वक्त हो गया, एज़ ऑलवेज ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज क्या होगा और फिर कल क्या होगा इस पर भी थोड़ी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए आप। Welcome back to Tang's Asia Cricket Cup Cricket Hangama presented by Coca-Cola. Hangama jab hum kehte hain, hangama to ab shuru hoga, Super 4 shuru ho gaya, hangama bhi shuru ho jayega. Kal India Pakistan ka match, is pe baat karenge. But this program has also been sponsored by none other than zameen.com. zameen.com 2006 mein form kiya Imran Ali Khan, Zishan Ali Khan ne, aur 5,500 employees, 55 lakh hits on the website, 20,000 इनके एजेंट। 2014 में इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्वायर करके वर्चुअल रियलिटी अंदर लाके बहुत बड़ी कंपनी इन्होंने फॉर्म कर दी। इन्होंने इतने एक्सपोज किए, इन्होंने 10 नेशनल किए, 3 इंटरनेशनल, चौथा अभी ये करेंगे, इनका एक्सपो होगा। और जो बड़ी बात है, इनकी जो पेरेंट कंपनी EMPG, इन्होंने OLX को एक्वायर करके $1 बिलियन की यूनिकॉर्न कंपनी इन्होंने बनाई, और फिर उसके बाद
उससे पहले भी इन्होंने 2018 में ज़मीन डेवलपमेंट इन्होंने तैयार की। सो ग्रेट सक्सेस स्टोरी फ्रॉम zameen.com। अब आती है बात इंडिया और ऑफ कोर्स पाकिस्तान, ये कल मैच होगा। ओवरऑल आप इसका क्या सिनॉप्सिस देंगे सलीम? देखें, इंडिया के जितने भी बैट्समैन थे वो आउट ऑफ फॉर्म थे, वो सब ने तकरीबन स्कोर कर लिया है, और मैं समझता हूँ हमारे बाबर स्कोर नहीं कर रहे, हमें थोड़ा सा हम मार खा सकते हैं, हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उन्होंने उनकी स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग उनकी नंबर वन है, तो मेरे ख्याल में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर हम इंडिया से अगर हमने मैच जीतना है, क्योंकि ये बात करनी हमारे लोगों को शायद अच्छी ना लगे, मगर अगर आप कंपेयर करें इंडिया पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की टीम आपसे बेहतर नज़र आती है, पेपर पर डेफिनेटली बेहतर नज़र आती है। उनका परफॉर्मेंस देखें, कोई मैच नहीं हारे, हम एक मैच इंडिया से हारे हुए हैं, तो साइकोलॉजिकली भी हम थोड़ा सा उनसे अगला मैच जो होएगा तो मेंटली हम नीचे तो होंगे कि यार एक मैच हारे हुए हैं, फिर बाबर स्कोर नहीं कर रहा, तो फ़र्क तो पड़ेगा, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर मैं आज टीवी पे स्लाइड देख रहा था कि धानी भी अनफिट हैं, और उनके अनफिट होने से फिर हसनैन खेलेगा जो कि पहला मैच खेलेगा, तो वो भी एक प्रेशर होएगा उस पर नए बच्चे के लिए कि आके आते ही इंडिया के ख़िलाफ़ मैच। फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा काउंटी क्रिकेट और नहीं खेलनी चाहिए? काउंटी तो यार ये पीजी हम बार बार कहते हैं कि जी ज्यादती है ना, आप अपने लड़कों को बर्नआउट कर जाते हो, फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस दें पीजी। ये तो देखे बार बार, मैं उस दिन भी यही बात हो रही थी कि यार अगर आपके फास्ट बॉलरों को काउंटी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, अगर खेलनी है बहुत आपका है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा लीग्स हो रही हैं, उसके बाद तो काउंटी क्रिकेट जाना ही नहीं चाहिए, आप बेसिकली सीखने तो नहीं जाते। काउंटी क्रिकेट में कभी भी वो नए प्लेयर को नहीं लेते, कभी आपने देखा कि एक टेस्ट मैच खेलने वाले को उन्होंने काउंटी ने लिया, हमेशा वो उस प्लेयर को लेते हैं जो आपका मैच्योर तरीन नंबर अच्छा प्लेयर होता है, तो वहाँ जाके तो आपने सीखना तो होता नहीं दफ्तर, आप तो बल्कि उनको सिखाने जाते हो। जब लीग्स हो रही हैं, इतनी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान, आप पैसे बना रहे हो, तो ये उस दिन रॉफ भी हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा स्ट्रांगली इस पर एक्शन लेना पड़ेगा कि अपने प्लेयर्स को, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को, उनके लिए बड़ा मुश्किल है पीछे वहाँ जा कर खेलना, कंटिन्यूसली 14 दिन कोई रेस्ट नहीं होता, ड्राइव मैच और 104 ओवर दिन के होते हैं, आप सोचो 90 ओवर नहीं ख़त्म होते, 104 ओवर करने बड़ा मुश्किल काम है, और अगर आपने खेलना ही, आपका बहुत दिल कर रहा है, तो जैसे वकार और वसीम किया करते थे कि चूज़ एंड पिक, कि आपने जी कुछ मैचेस खेलने, बाकी आपने नहीं खेलने, मगर हमारे यहाँ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं, हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं कि अगर किसी प्लेयर ने थोड़ा सा फ्लावर्जी की बोर्ड के तो वो उन्होंने निकाल के बाहर मारा, उनके कितने प्लेयर आप देखें, साइमन को निकाल दिया इंग्लैंड ने, उसको वो बहुत अच्छा उनका मिडल ऑर्डर था, उसको पीटरसन को निकाल दिया, मगर हम ऐसे प्लेयरों को निकाल सकते हैं? नहीं, ये तो आपके सामने टॉस आ गया, नबी थोड़ा फंस गया था यहाँ। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दशन यू नो दे वांट टू यू नो बोल, एंड नबी है वो कहता है कि वी वुड लाइक टू बैट, कि सेकेंड हाफ में ये लो हो जाएगी, सो इस पर क्या कंपेरिजन आप करोगे? देखिए, शारजा की विकेट हमेशा से कभी भी बाउंसी नहीं थी, वो लो बाउंस रहता है, बल्कि ज़्यादा सेकेंड इनिंग में तो ज़्यादा ख़राब होती है जब आपके स्पाइक्स लगते हैं, तो कभी भी बड़ा स्कोर नहीं वहाँ होता रहा, तो ये मुश्किल तो मेरे ख्याल में सेकेंड इनिंग में ज़्यादा मुश्किल होगी इनको तो, बल्कि देखें जो टीम अच्छी टीम होती है ना, वो हमेशा पहले बैटिंग करती है ताकि सेकेंड इनिंग में प्रेशर हो अगली टीम पर, मगर चूंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि डर के लोग पहले बॉलिंग कर रहे हैं, अब देखें अगर जब चेस करने के लिए अफगानिस्तान को जाएंगे तो उनके आसान बॉलिंग तो है नहीं, विकेट ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ख़राब होती जाएगी, और राशिद और मुजीब और नबी को खेलना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा मुश्किल होगी। आप वक्फा तो नहीं ले रहे? नहीं। अच्छा, तो उनको ज़्यादा मेरे ख्याल में बोले इस वक्फे में मेरा कल है, रोह बेचारा वेट कर रहा है कि उससे अच्छा, भी कुछ शायद आप हमें बोले कहने लगे।
नहीं, इसमें मुश्किल होगी, मुश्किल होगी। सेकंड बारी में राशिद और मुजीब को फेस करना मेरा ख्याल है उनके लिए, श्रीलंका के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा बनिस्बत अगर वो पहले बैटिंग करते। और चूँकि वो ये सोच रहे हैं कि हम चेज़ करेंगे, चेज़ करने में तो उनकी बॉलिंग बहुत मुश्किल है, और पर्टिकुलरली जब विकेट लो होगी। क्यों जरूर, बिल्कुल बड़ा स्ट्रेंज है मेरा ख्याल है श्रीलंका ने कैसे सेकंड डिसाइड किया बैटिंग का, क्योंकि मे भी शायद उनके जहन में वो पिछला मैच हो जिसमें अर्ली ऑन उनके जो तीन बैट्समैन थे वो उनके मीडियम पेसर से आउट हो गए थे, और उसके बाद नबी दो आउट कर गए थे और अर्ली ऑन उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था, तो शायद वही उनके दिमाग में, और उसको देखते हुए उन्होंने सेकेंड इनिंग में चांस लिया है इस मैच में। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सेकेंड बैटिंग का चांस है ये श्रीलंका के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि जो उनके बॉलर्स हैं वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे पिच पर। और एक और चीज़ मेरा ख्याल है कि इनके एक स्पिनर है लेफ्ट आर्म स्पिनर जयसूर्या, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो 20-25 आउट किए हैं तीन टेस्ट मैचेस में, उनको पता नहीं इन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए क्यों नहीं पिक किया श्रीलंकन टीम में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि एक क्वालिटी अगर आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो आप उसको क्रॉस फिटिंग कर सकें। अगर वो यहाँ पर होते तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे इस टूर्नामेंट में, मगर ये आई डोंट नो श्रीलंका की सिलेक्शन कमेटी ने क्या सोचा और उनको इस टूर्नामेंट में क्यों नहीं पिक किया। वैसे रव, जब आप कहते हैं ना सिलेक्शन कमेटी, पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि एक पोटेंशियल एक नज़र आता है बाहर से, लेकिन ऑब्वियसली बाहर बैठ के तो बड़ी क्रिकेट हो जाती है, अंदर आई थिंक इनकी एक अपनी कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करती है कि शायद इस लड़के को चांस दे दो, ये ना किया तो फिर उसको वापस ले आए। नहीं, मेरा ख्याल है उसको शायद, देखें जो टेस्ट, अब सारी दुनिया में ये हो गया कि टेस्ट मैच की टीम डिफरेंट होती है, वन डे की और खेल रही होती है, T20 की और होती है। मेरा ख्याल है जो रौफ ने बात की बड़ी अच्छी बात की है कि उसको क्यों नहीं लेके आए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि चूँकि टेस्ट मैच में आपको थोड़ा फ्लाइट बॉल करना होता है, तो वो शायद वन डे में प्रैक्टिस ही सिर्फ एक चीज़ की जाती है, या नेट में बैट्समैन खड़े होकर हिटे मार रहे होते हैं, छिकों की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जो स्पिनर होते हैं वो तेज़ कर रहे होते हैं, तो वो एक चीज़ है जो शायद वो एक डिफरेंट बॉलर होगा, क्योंकि उसने जैसे आउट किए हैं ऑब्वियसली वो थोड़ा सा वेरिएशन करता होगा। यहाँ चूँकि ये आप देखो रहो इस जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं कोई भी बंदा फ्लाइट बॉल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं होता ना, यहाँ होता है कि यार बाहर बॉल जाएगी, तो शायद इसलिए उसको मेरा ख्याल उन्होंने सेलेक्ट ना किया। लेकिन अब इन्होंने बड़ी गहरी बात की है कि कोई बंदा फ्लाइट नहीं करता, क्या आप इसे एग्री करेंगे कि यही वजह है क्योंकि आपकी इतनी टाइट क्रिकेट हो गई है कि वन डे और टेस्ट के लिए आपके पास वेरिएशन कोई नहीं? बिल्कुल है, और मेरा ख्याल है कि हर जो जितने भी कंट्री है, बिल्कुल सलीम भाई ने दुरुस्त बात की है कि उनकी टेस्ट वन डे और T20 की टीमें बिल्कुल सेपरेट हैं, और जो बॉलर जिस फार्मेट में परफॉर्म करता है उसको और जिस फार्मेट को सूट करता है उसी में खिलाया जाता है, मगर बाज कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अगर देखें कि आप खेलने जा रहे हैं दुबई या शारजा में जहाँ पर सारा आपका जो डिपेंड होगा वो स्पिनर्स पर होता है, तो वहाँ पर फिर आपको क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए होते हैं, और वो मैंने जो देखा है बॉलर जिसने टेस्ट मैच में बॉलिंग किया उसका आर्मर बहुत अच्छा है, उसके पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जो उसकी ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा है, तो इन पिचेस पर जो अभी कंडीशन इख्तियार करती जा रही है ये जो दुबई या शारजा की पिचें हैं, यहाँ पर अगर क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जिसके पास इतनी वेरिएशन हो तो मेरा ख्याल है कि वो दूसरी टीम को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है, तो ये एक पॉइंट था मेरे दिमाग में कि अगर वो होते तो वो ज़्यादा बेहतर होते, क्योंकि इंडिया भी और पाकिस्तान भी इसी तरीके से, अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच में नवाज़ को ट्राई आउट किया, हालांकि नवाज़ उस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, मगर क्योंकि श्रीलंकन कंडीशन इस किस्म की थी कि वहाँ पर एक स्पिन बॉलर पाकिस्तान को चाहिए था, तो पाकिस्तान ने नवाज़ को इंडल्ज किया इन टेस्ट मैचेस में, तो उन्होंने एक टेस्ट में 5 विकेटें भी ली, हालांकि वो सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट हैं, तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि अगर वेरिएट करें तो ये इससे बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। अच्छा, ये अगेन इसमें पीजे आप अगर देखो हमारा एक लेग स्पिनर है जिसने शाह, क्या नाम है, पेशावर से यासर शाह, आप देखो उसको शाह को ये T20 में नहीं खिलाते, उसकी रीज़न क्या है कि वो फ्लाइटेड बॉल करता है, और उसकी जगह शदाब और दूसरे लेग स्पिनर बहुत सारे खेले हैं, अब्दुल कादिर साहब के उनके बेटे भी खेले हैं, तो ये मेरा ख्याल है वो डर के वो कामयाब भी नहीं हुए, क्योंकि फ्लाइटेड बॉल जो है ना T20 में चूँकि छोटा फॉर्मेट है, डर के मारे वो फिर खिलाते नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा ये रीज़न। यू थिंक ग्राउंड्स भी छोटी हैं? ग्राउंड बहुत छोटी हैं, आप देखें आता था MCG देखो कितना, MCG वही मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ कि वहाँ 100 गज की बाउंड्री थी,
अब तो ये आप देखो ठुड्डा मारो आप छक्का हो जाता है, अब एज लगता है वो पता चलता है जी वो ग्राउंड से बाहर बॉल चली गई। तो क्रिकेट टी ट्वेंटी में तो बहुत आसान है, अगर उस टाइम के प्लेयर होते विव रिचर्ड जो नाम थे वो तो मेरा ख्याल है पागल कर देते मार मार के, जिस तरह वो इतने बड़ी बड़ी ग्राउंडों में छक्के मारते थे। तो ये क्रिकेट अब बहुत चेंज हो गई है, डर के मारे जो है ना कोई भी बॉलर आप देख लो इस फॉर्मेट में, कोई बंदा मुझे बता दो जिसने थोड़ा सा भी फ्लाइट किया हो, टाइम ही नहीं देते वो, कोशिश उनकी होती है कि टाइम ही ना मिले बैट्समैन को सोचने का। तो ये चेंज हो चुकी है। अच्छा, यूएई में हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी देर से खेल रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आ गई थी, अब इवेंचुअली इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया भी पाकिस्तान आए, पाकिस्तान भी इंडिया जाए, यूएई की क्रिकेट का क्या होगा, इसका क्या रोल होगा, क्योंकि इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसने क्रिकेट को सब कॉन्टिनेंट पर रखा, एक बड़ा पैसिफाइंग रोल इसने किया, तो इसका क्या फ्यूचर बनेगा? देखिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी इनका ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से काफ़ी वहाँ पर जो दफातर लीग है, जो T20 लीग हैं वहाँ पर कंसिस्टेंटली हो रही हैं, और मुख्तलिफ जो फर्म्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अपने डिपार्टमेंट्स बनाकर काफ़ी जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान इंडिया और श्रीलंका से काफ़ी बच्चों को वहाँ पर बुलाया, उनको रोज़गार दिया और उनके ज़रिए वो अपनी जो क्रिकेट है उसको फ्लॉरिश कर रहे हैं। उसके अलावा अभी जो थोड़े दिनों में आप सुनेंगे एक बहुत बड़ी लीग, इवन के वो इक्वल टू PSL और IPL, वो उसका इनेकाद करा रहे हैं UAE में, और मेरा ख्याल है कि वो इन दोनों लीग के लिए थ्रेट होगी, क्योंकि जितना बड़ा वो पैसा ऑफर कर रहे हैं वहाँ पर उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी रिप्रेजेंटेशन है उस लीग में, तो इस बड़े लेवल पर वो एक लीग कंडक्ट करा रहे हैं वहाँ पर, तो वो उनका मेरा ख्याल है कि उसके अलावा जो अफगानिस्तान और जो जिम्बाब्वे और दूसरी टीमें हैं उनके लिए भी एक बेसिक, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सी टीमें नहीं जाना चाहती, तो वो उनका होम ग्राउंड और होम सेंटर भी वो UAE में भी होता है, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक पूरा एक अपना एक कंसेंसस दिया उस बात पर और पूरा एक उन्होंने लायामल भी अगला तय किया हुआ कि हमने किस तरीके से अपनी क्रिकेट बूस्ट करनी है। उसके बाद जो हमारे बायोलेटरल रिलेशंस हैं तीनों कंट्रीज़ के, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया का, इवन बांग्लादेश, वो भी बार दफ़ा इतने अच्छे नहीं रहते कि हम अपनी सारी सीरीज इन मालिक में खेल सकें, तो हमें मजबूरन फिर इन UAE का सहारा लेना पड़ता है, हमें वहाँ पर जाकर खेलना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना सारा सिस्टम जो वर्क है वो मुकम्मल किया हुआ। रऊफ थैंक यू वेरी मच, सलीम थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज। इनको जब मैं ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाता हूँ इनको पता चल जाता है कि ब्रेक नहीं, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, सो ये भी बिल्कुल मीडिया में ट्रेंड हो गए। कल आपके सामने दोबारा हम आएंगे, ज़बरदस्त मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, देखते हैं क्या होगा, वी होप पाकिस्तान विंस एंड एट द एंड ऑफ द डे वी होप गुड क्रिकेट टेक्स प्लेस, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच हुआ है। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड जॉइन अस टुमारो एट द सेम टाइम।